बैंक ऑफ बड़ौदा का 115वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंक स्थापना दिवस के अवसर पर बेतिहाता स्थित नगरीय प्राथमिक विद्यालय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा सभी बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया, जिसके संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा बेतिहाता शाखा के शाखा प्रमुख बजरंग गुप्ता ने बताया कि सन 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी और आज बैंक का 115वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागी सभी बच्चों को पुरस्कार दिया गया। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं दी जा रही हैं तथा आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्टलेस सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अग्रसर है। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार सिंह, मोहित आर्य, राहुल कुमार, संजना जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के प्रमुख बजरंग गुप्ता ने कहा, नमस्कार साथियों, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा बेतिहाता ब्रांच का शाखा प्रमुख बजरंग कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। सन 1908 में 20 जुलाई को सर सयाजी गायकवाड़ जी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। इस शुभ अवसर पर हम लोगों ने आज के दिन एक चित्रकला की प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज होल्डर को हम लोगों ने प्राइज़ दिया है तथा और सभी को सांत्वना पुरस्कार दिया है, जो कि हमारा एक बैंक का CSR एक्टिविटी के तहत आता है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ एक चित्रकला का आयोजन किया। स्थापना दिवस ये हमारा 115वां स्थापना दिवस है। क्या कहें बच्चों और इन बच्चों को प्राइज़ में हम लोगों ने पेंसिल बॉक्स, टिफिन और यहाँ पे हम लोगों ने पंखे का भी डोनेशन किया हुआ है तथा हम लोग बच्चों के भविष्य की उज्जवल की कामना करते हैं।